आज हमने प्रधानमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी पिंकी मीणा के कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है एसडीएम कार्यालय में, जिसमें हमने हिसार में सोनाली फोगट ने जो एक ड्यूटी पे कर्मचारी को चप्पलों और थप्पड़ों से मारा है उसको लेकर ज्ञापन सौंपा है। उसमें हमने कहा है कि महिला कानून में संशोधन हो और पुरुष आयोग का एवं पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए। हमने उसमें मांग रखी है कि सबसे पहले तो सोनाली फोगट को गिरफ्तार किया जाए तथा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते बीजेपी उसको अपनी पार्टी से निष्कासित करे। दूसरा हमने कहा है देश में जल्दी पुरुष आयोग पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए। तीसरा हमने कहा है कि संविधान की धारा 14 के अनुसार धर्म जाति वंश के स्थान के द्वारा हम किसी में भेदभाव नहीं कर सकते, अतः जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाया जाए तथा जल्द से जल्द महिला कानून में संशोधन किया जाए। अगर इसी तरह महिला कानून का दुरुपयोग होता रहेगा तो देश में एक दिन पुरुष और महिला में एक खाई पैदा हो जाएगी, ये एक बहुत ही विस्फोटक होगा। हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि देश में पुरुष आयोग पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए। अगर यही काम कोई पुरुष किसी महिला के साथ कर देता था पूरा देश आज रोड पे सड़कों पे होता, लेकिन ये काम एक महिला ने करा है तो ना तो मीडिया कुछ बोल रहा है, ना कोई पुरुष कुछ बोल रहा है, ना कोई महिला कुछ बोल रही है। आखिर क्या कारण है पुरुष की सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के बाद भी देश में कोई पुरुष आयोग नहीं है, कोई पुरुष कल्याण मंत्रालय नहीं है? अगर इसी तरह भेदभाव की नीति रहेगी तो पुरुष व महिलाओं के बीच में इतना गैप आ जाएगा कि यह संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो हमारी यही मांग है प्रधानमंत्री से कि जल्द से जल्द देश में पुरुष आयोग पुरुष कल्याण मंत्रालय बनाया जाए तथा जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाया जाए। अगर यह मांगे जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो देश में विकराल रूप धारण होगा और इसकी सबकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मेरा नाम विनेश कुमार वर्मा, अखिल भारतीय पुरुष अधिकार एवं सम्मान सुरक्षा परिषद जिलाध्यक्ष दौसा। नमस्कार।